ये है आफ्टरनून का टाइम और आज मैं और इंदर निकले हैं थोड़ा सिटी का सर्वे करने के लिए। आज हम जा रहे हैं फार्म हाउस देखने, तो इट्स ऑन वर्धा रोड। तो अभी आप देख रहे हो हम ये फ्लाईओवर पे हैं जो बर्डी का फ्लाईओवर है, एंड वेदर बहुत ही अच्छा है, बारिश नहीं है तो दैट्स व्हाई अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत बारिश हो रही है सितंबर में एंड हम लोग इरिटेट हो गए बिकॉज इतना एक्सपेक्टेशन जुलाई और अगस्त में रहता है। तो कोई बात नहीं, बारिश भी बहुत ज़रूरी है। सो आप देखिए आज संडे है तो संडे को सब अपने घर पे एंजॉय करते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ घूमने निकलते हैं जस्ट हमारे जैसे। तो आप देखते रहिए, प्रॉपर आपको हम क्लियर क्लाउड्स दिखा रहे हैं नागपुर सिटी का। थोड़ी धूप भी है, थोड़े क्लाउड्स भी हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्धा। ये आ गया है फर्स्ट सिग्नल। एज यू कैन सी, नागपुर में ना सब लोग व्हाइट कलर की गाड़ियां खरीदते हैं। अब इसका रीजन आप सबको पता ही होगा, इट्स द हॉटेस्ट सिटी, तो व्हाइट कलर जो होता है ना वो एक कूलनेस प्रोवाइड करता है। तो कार में एसी तो रहता ही है बट स्टिल व्हाइट की वजह से इट डजंट एब्जॉर्ब टू मच ऑफ सनलाइट। सो जो भी हॉट जगह पर रहते हैं तो प्लीज प्रिफर लाइट कलर्स। ओके, ये पूरा आप रोड देख रहे हो, प्रॉपर व्यू देख रहे हो एंड मेट्रो ट्रेन, सॉरी आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं ट्राई करती हूँ, ये ऊपर से जा रही है। दिस इज द नागपुर मेट्रो, ऑरेंज सिटी की मेट्रो ट्रेन है एंड मेट्रो का काम वर्धा रोड के साइड आई थिंक मोस्टली कंप्लीट हो ही चुका है, बट जहाँ पे हम रहते हैं काउंटी रोड साइड वहाँ का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो धीरे धीरे इन कमिंग ईयर्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारा जो एरिया है उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये एक स्टेशन है, दिस इज द मेट्रो स्टेशन, इट्स राहाटे कॉलोनी। एंड इस तरफ जो हम वर्धा के साइड जा रहे हैं ना, ये साइड बहुत ही ग्रीन है, मतलब लगता है यस वी आर लिविंग इन अ गुड सिटी, बिकॉज ग्रीनरी क्या रहती है ना, आपको सूदिंग इफेक्ट देती है, आपके मन को शांत रखती है एंड यू एन्जॉय। तो ग्रीन बहुत ज़रूरी है, एज ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बढ़ते जा रही है, तो प्लीज़ अपनी अपनी सिटी को सेव करने के लिए प्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन। सी इट्स टू ग्रीन बिकॉज यहाँ पे आता है नीरी ऑन द राइट हैंड साइड। यस, अभी जैसे नीरी का गेट आएगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू, इट्स नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई नो दिस, तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे। यस, ये था नीरी, ये था उसका एंट्रेंस एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। जस्ट हैव अ लुक ऑन द साइन बोर्ड, ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना वो बहुत हेल्प करते हैं जो न्यू रहते हैं सिटी के लिए। एंड ये आप देखिए, ये जो मेट्रो का प्रॉपर पिलर्स हैं, प्रॉपर उसका जो ट्रैक्स है, ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है एंड द ऑरेंज कलर वो बताता है कि दिस इज़ द ऑरेंज सिटी। एंड दिस इज़ घड़ी चौक, यहाँ से मैं आपको घड़ी दिखा सकती हूँ। यस, घड़ी दिख रही है आपको, टाइम भी आप देख रहे हो एंड सब लोग निकले हुए हैं। अभी संडे को मोस्टली वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे लोग थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए जाते ही हैं, बिकॉज क्या ना 5 days वर्किंग के बाद थोड़ा तो रिलैक्सेशन बनता ही है। चलो, ये था सेकेंड सिग्नल एंड अब आगे हम जा रहे हैं। अब एक और मेट्रो स्टेशन आप देखने वाले हैं। यस, दिस इज अजनी स्क्वायर मेट्रो स्टेशन एंड आई थिंक मेट्रो के बनने के बाद सिटी और थोड़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। अर्लियर ऑल्सो इट वॉज नाइस, अच्छी थी, बट आई थिंक मेट्रो ने थोड़ा उसका ब्यूटिफिकेशन कर दिया है, बस ये अच्छे से वर्क करे, ओनली दिस इज कॉमन पीपल्स डिमांड कि अच्छे से चले, उनकी पूरी हेल्प होती रहे जैसा वो प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। सो देखिए, वन मोर साइन बोर्ड इज कमिंग, इट्स वर्धा एयरपोर्ट मनीष नगर। ये अभी हम चल रहे हैं ओवर ब्रिज के ऊपर एंड एज यू कैन सी मेट्रो भी हमारे साथ ही चल रही है, जो मेट्रो का ट्रैक्स है
एंड जो प्लांटेशन है इट्स वेरी नाइस. बोगनविलिया लगा हुआ है कलरफुल वाइट एंड पिंक. सो ये जो है ना, ये जो प्रॉपर सिस्टम आप देख रहे हो जो डिवाइडर्स पे, जो ये बोगनविलिया प्लांटेशन आइदर एनी प्लांट, ये पूरा चंडीगढ़ का था कॉन्सेप्ट. वो बहुत ही क्लीन सिटी थी, ग्रीन सिटी थी. देन आफ्टर दैट फिर हमने देखा, एज आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, भिलाई सिटी, फिर हमने देखा वो सेम पैटर्न वॉज फॉलोड इन भिलाई एंड इट मेक्स द सिटी लुक्स टू ब्यूटिफुल. आप यहाँ पे होर्डिंग्स भी देख सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे. ये प्रॉपर आपको हम ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं ओवर ब्रिज के ऊपर से, एंड ओवर ब्रिज के साथ ये मेट्रो स्टेशन, देन वन मोर मेट्रो स्टेशन, दिस इज छत्रपति स्क्वायर मेट्रो स्टेशन. वाओ. एंड मजा इसलिए आ रहा है ना, एंड ओके हियर वी गो द रेडिसन ब्लू. It's very nice hotel. हम दो तीन बार विजिट कर चुके हैं हम यहाँ पे. And the cuisine is really good. Actually the interior is very nice. आप so definitely you just try the cuisine here. And ये कुछ flats हैं, apartments हैं. And ये जो आप देख रहे हो ना, ये dividers जो side का railing है उसके ऊपर पे इन्होंने बहुत अच्छा work किया हुआ है, so that कोई नीचे मत गिर पाए. And this is again the next station, जयप्रकाश नगर. ओके, देखो ओवर ब्रिज के ऊपर से बहुत ही हमें क्लीन व्यू मिल रहा है हमारी बहुत ही सुंदर नागपुर सिटी का. एंड नागपुर के लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिटी को क्लीन रखने में सब लोग हेल्प कीजिए, बिकॉज ये हमारी सिटी है एंड हम यहाँ पे रहते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी हैव टू कीप आवर सिटी क्लीन एंड ब्यूटिफुल. देखो मेट्रो का जो ट्रैक है वो हमारे साथ साथ पैरेलल ही चल रहा है. ओके, एयरपोर्ट आने ही वाला है आई थिंक. एंड बहुत दिन के बाद निकले हैं हम, सो आज का वेदर भी बहुत अच्छा है एंड रियली मजा आ रही है. नेक्स्ट स्टेशन लेट्स रीड, इट्स उज्ज्वल नगर. ओ माय गॉड, यहाँ बहुत सारे स्टेशन दिख रहे हैं हमें मेट्रो के. सो डेफिनेटली जब ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर ये जो वर्क फंक्शन में आ जाएगा, देन बहुत लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा. ओके, नाउ यू गो विद द होर्डिंग ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, जहाँ पे मेरी डॉटर पढ़ती है. इट्स अ नाइस स्कूल एंड दिस इज द होर्डिंग ऑफ द स्कूल. मिहान साइड में वी हैव द अनदर ब्रांच ऑफ डीपीएस. वी हैव टू ब्रांचेस इन नागपुर. वन मोर साइन बोर्ड. देखो ये जो साइड में बना हुआ है ना येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, नाउ इट कम्स एज वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स. ये जो रहते हैं ना, ये बहुत ही मतलब हेल्प करते हैं टू फाइंड द वे, बिकॉज ये इस तरीके से पेंट किया गया है कि नाइट में आपको इजी रोड का जो वे है वो समझने में हेल्प होती है. चलो हम आ गए हैं एयरपोर्ट के पास. देखते रहिए. ओके, ऑन द राइट हैंड साइड एयरपोर्ट आ गया है एंड एज यू कैन सी एयरपोर्ट के पास के जो पिलर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन किया गया है टू प्रमोट द ग्रीनरी, टू प्रमोट द एनवायरमेंट लव. ओके, और एक दिन आपको एयरपोर्ट साइड भी लेकर जाएंगे, बिकॉज एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर करते हैं फॉर द यस. तो अभी हमने एम्ब्रोजिया के लिए प्रॉपर जो सही डायरेक्शन था वो चूज कर लिया है एंड आप देख रहे हो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सॉरी ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड पूरा ग्रीन है. प्रॉपर ये लग रहा है जैसे कि हम ना कोई बहुत ही सुंदर जगह पे एंटर करने वाले हैं. एंड एज यू कैन सी द क्लाउड्स आर वेलकमिंग अस कि आओ हमारे फार्म हाउस पे आओ. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. अभी देखते हैं, इट्स अ सिंगल रोड एंड मजा आएगी शायद. This is a small railway crossing. Actually, नागपुर में मैं जब से हूँ ना कभी रेलवे क्रॉसिंग के लिए कभी वेट नहीं करना पड़ा है. सो आफ्टर मेनी ईयर्स ये क्रॉसिंग पे हम रुके हैं, तो अब देखते हैं कि ट्रेन कब आएगी. एंड जब तक आप ये प्रॉपर व्यू देखिए, देखो जब छोटे थे ना तो ये क्रॉसिंग्स बहुत होती थी, बिकॉज ऐसे ओवर ब्रिजेस वगैरह बने नहीं होते थे, तो हम एंजॉय करते थे
आपको बताना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे ना तो हमारे पापा हमारे चाचा हमारे दादाजी हमें लेकर जाते थे प्रॉपर कि चलो ट्रेन दिखाने लेके जाते हैं तो ये एक अच्छी सी मेमोरी वापस रिवाइंड हो गई माइंड में. एंड ये छोटा सा रेलवे क्रॉसिंग है एंड देखते हैं थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है एंड फिर हम एम्ब्रोजिया फार्म हाउस पे पहुंचेंगे. फिर आपको वहां का सब व्यू दिखाएंगे कि फार्म हाउस कैसा है, क्या एमिनिटीज है वहां पे, कैसा रहेगा.